तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खबरें सीधे न्यूज रूम से। ताबड़तोड़ अंदाज में बात करेंगे बारिश से पंजाब यानी कि अमृतपाल सिंह की, जिसकी तलाश अभी भी लगातार जारी है। लेकिन अमृतपाल भूमिगत कहां पर हो गया, हर एक चप्पा चप्पा पंजाब पुलिस खंगालने में लगी है, लेकिन अभी भी उसका पता नहीं चल पाया। हालांकि अमृतपाल के घर वाले बार बार ये कह रहे हैं कि अमृतपाल को पुलिस ने पकड़ लिया है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इसके पीछे कुछ और षड्यंत्र लगातार जारी है, लेकिन अमृतपाल के कई ऐसे साथी हैं जो इस समय पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। बात आज का दिन अमृतपाल की उस आतंक कथा की भी हम करेंगे कि आखिर कैसे उसने बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया और कैसे वो बना वारिस पंजाब। चारुल, बिल्कुल देखिए, अगर हम कहें तो पंजाब पुलिस का ये कहना है कि अमृतपाल जालंधर में छिपा हो सकता है, इस लिहाज से जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के बॉर्डर पर भी खास सुरक्षा तैनात की गई है कि अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अमृतपाल सिंह है कहाँ, और पूरे जिले पुलिस जो है उसे ढूंढने में लगी है। 114 लोगों को गिरफ्तार तो किया जा चुका है, लेकिन अमृतपाल अभी भी पुलिस की पहुंच से कोसों दूर है। हालांकि समर्थकों का कहना है कि अमृतपाल को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन फिर सवाल यह बनता है कि आखिर पुलिस इस बात को क्यों छुपा रही है। तमाम सवाल हैं, और इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि अमृतपाल सिंह का आतंकी कनेक्शन भी, यानी डिटेल्स ऐसे भी निकल कर आए कि उसने पाकिस्तान में भी बातचीत की है। नीतू, तो कुल मिलाकर अमृतपाल के कई साथी तो गिरफ्त में आ चुके हैं, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। पाकिस्तान आईएसआई कनेक्शन जो है वो भी देखा जा रहा है इस पूरे मामले में। विदेशी फंडिंग की भी खबर मिल रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अमृतपाल है कहाँ, और अमृतपाल को ढूंढने के लिए 3 दिन से लगातार पंजाब पुलिस अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। कुछ बड़ी बातें चलिए आपको बताते हैं कि आखिर जो अमृतपाल का आतंक कथा है वो आखिर है क्या। अमृतपाल जो खालिस्तान समर्थक नारेबाजी किया करता था, अमृतपाल जो लोगों को उकसाने का काम किया करता था, आज उस अमृतपाल के बारे में कुछ बड़ी बातें भी जान लेते हैं। 2021 में अमृतपाल दुबई से भारत लौटा, ये 2021 का मामला है, क्योंकि इससे पहले 2012 में वो दुबई पहुंचा था। और वारिस पंजाब देखा कैसे प्रमुख बना है, आईएसआई और खालिस्तान समर्थकों के इशारे पर दुबई से ये भारत आया था। इसका नेटवर्क कहां कहां फैला है इसके लिए भी पुलिस जांच कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों के तैयार किए गए इनपुट डोजियर में दावा किया गया है अमृतपाल को लेकर कि जिस तरह से ये लोगों को उकसाता था, खालिस्तानी नारेबाजी करता था, यूएई में आईएसआई से बने अमृतपाल के संबंध, और ये अभी तक दावा किया गया, ये पहले भी जग जाहिर है कि इसका कनेक्शन पाकिस्तान से भी रहा है, इसका कनेक्शन आतंकियों के साथ भी रहा है। अमृतपाल के फाइनेंसर कलसी को विदेशों से मिला 35 करोड़ का फंड, तो ये विदेशी फंडिंग भी की गई है अमृतपाल को। उसके फोन से पाकिस्तान में भी बातचीत हुई है, तो ये पूरा कनेक्शन अभी तक खुलकर सामने आया है। और जो उसके साथी हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है, पुलिस मोबाइल जांच कर रही है। कल उसकी गाड़ी जब्त हुई और तलवार और इसके अलावा हथियार पिस्टल भी उसकी गाड़ी से मिले हैं। तो अभी तक अमृतपाल की आतंक कथा जो है वो हम आपको बता रहे हैं। दीप सिद्धू की मौत के बाद वारिस पंजाब दे का प्रमुख बना अमृतपाल, तो ये तमाम कहानी अभी तक सामने आई है अमृतपाल, और इसको ढूंढने के लिए पंजाब के अलावा अलग अलग जगहों पर भी उसे ढूंढने की कार्रवाई 3 दिन से लगातार जारी है। चारू, बिल्कुल हमारे साथ सहयोगी जसवीर जुड़ रहे हैं। जसवीर, अगर हम देखें तो 3 दिन हो चुके हैं, हर जगह तलाशी ली जा रही है, 114 लोग गिरफ्तार हो गए, लेकिन अमृतपाल कहां है इस बात की जानकारी नहीं निकल कर सामने आ पा रही है, पुलिस की पहुंच से कोसों दूर। जी चारों, 3 दिन से अमृतपाल की तलाशी का अभियान चल रहा है। अगर हम बात करें जलंधर की, तो जलंधर के जितने भी एग्जिट पॉइंट है या इनपुट के पॉइंट है वो सभी सील कर रखे हैं, और पूरे गांव गांव जाके पुलिस तलाशी ले रही है। और अगर आप अगर कल की बात करें तो उसके अमृतपाल के चाचा और उसके ड्राइवर ने कल रात को सरेंडर किया, और उनके पास पिस्टल भी वगैरह उससे मिली है, जिसके वजह से अमृतपाल के जितने भी साथी थे उनको चुन चुन के पुलिस उनको पकड़ के अंदर कर रही है। लगभग 114 बंदों की तस्वीर अभी तक पुलिस ने की है, जिनको आज 3 दिनों में उन्होंने पकड़ा है। जी चारू, तो कुल मिलाकर अमृतपाल को ढूंढने के लिए एक लगातार कार्रवाई जारी है। जसवीर हमारे साथ बने हुए हैं। जसवीर, क्योंकि इंटरनेट की सेवा बंद है, ऐसे में अमृतपाल के पिता का कहना है कि अमृतपाल पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ गया, लेकिन पुलिस डीजीपी ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जिस तरह से उसने चकमा देकर फरार होने की कोशिश की है उसको बहुत जल्द ढूंढ लिया जाएगा। पुलिस क्या कार्रवाई अभी तक कर रही है, पंजाब में हालात आज के दिन क्या है?
हालात तो अभी बिल्कुल शांत हो रहा है क्योंकि पुलिस चप्पे चप्पे पे बैरिकेड्स लगाए, हर पंजाब के हर जिले में फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं और पुलिस अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर बात करें अगर माहौल की तो माहौल फिलहाल शांतिपूर्ण है। जो इक्का दुक्का जगह पे देखने को मिला है कि जो सिख समुदाय है, जो वारिस पंजाब के लोग हैं, वो इकट्ठे होने शुरू हुए थे, पर धीरे धीरे ये माहौल बिल्कुल ठीक लगता है। जसवीर, साथी गिरफ्त में आ चुके हैं, पूछताछ में कोई नई बात सामने आई है? क्योंकि अभी तक ISI और इसके अलावा पाकिस्तान से कनेक्शन बताया जा रहा है, साथियों से कोई पूछताछ में कोई जानकारी मिल पाई है अमृतपाल को लेकर? बिल्कुल चारों, इसकी पुष्टि जो पुलिस अधिकारी है उन्होंने बोला है कि अमृतपाल के ISI के साथ कनेक्शन है। और उन्होंने ये भी बताया है कि जो उसका साथी पकड़ा गया कल्ची, उसने पिछले 2 साल से 35 करोड़ रुपए की जो फंडिंग है वो बाहर से आई है। और जितने साथी पड़े वो अभी तक उन्होंने ये जानकारी मिली है किससे क्या क्या, क्योंकि ये वो खुफिया रखना चाहते हैं कि ये बयानबाजी अभी उन्होंने क्या बयान दिए ये अभी तक किसी को उन्होंने बताया नहीं है। चारू कि देखिए, एक तरफ जो समर्थक है अमृतपाल के, उनका ये कहना है कि अमृतपाल को गिरफ्तार किया जा चुका है, पंजाब पुलिस का कहना है कि गिरफ्त से दूर है लेकिन जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। ऐसे में जो अमृतपाल के वकील हैं उनका क्या कुछ कहना है? चारों लोग उन्होंने हाईकोर्ट में एक पिटीशन डाली है कि हो सकता है कि पुलिस ने अमृतपाल को पकड़ लिया है पर वो शो नहीं कर रहे, और उन्होंने यही पिटीशन डाली है कि अमृतपाल कहाँ है और हमें जल्द से जल्द ये पता लगना चाहिए कि अमृतपाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। मगर पुलिस का कहना है कि अब तक अमृतपाल गिरफ्तार नहीं हुआ, वो भगोड़ा हुआ और अमृतपाल को भगोड़ा घोषित कर रखा है पुलिस ने। ठीक है जसवीर, आप बने रहिएगा, आपके पास फिर से लौटेंगे। लेकिन देखिए तस्वीरें दिखा रहे पंजाब में हालात क्या है, 3 दिन हो चुके हैं अमृतपाल को ढूंढा जा रहा है, लेकिन अलग अलग जगहों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, इंटरनेट सेवा कल तक के लिए बाधित है। क्योंकि जिस दिन इसके साथियों की गिरफ्तारी हुई सबसे पहले तो खबर यह आई कि अमृतपाल भी पुलिस के शिकंजे में आ गया, लेकिन बाद में पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्पष्ट किया गया कि अमृतपाल अभी शिकंजे में नहीं आया, जिसे ढूंढने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है।